BCM ये एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर्स में आपका विड्रॉ आता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त आपका जैसे कि पैसा या बैंक अकाउंट से नहीं हो रहे, आप उसको सिर्फ USDT में रिचार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाइनेंस OKEXIU या किसी भी ट्रस्ट वॉलेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जिन दोस्तों के पास ये नहीं है वो परेशान ना हो, अब वो भी रिचार्ज कर सकते हैं। बस सिर्फ आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, मैं आपको इसमें पूरा तरीका बताऊंगा आपने किस तरह इसके ऊपर रिचार्ज करना है। अगर इसके ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। साथ में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें किस तरह होगा। सबसे मिनिमम इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो $20 की है। आप जब यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपने रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है USDT का और एक ऑप्शन मिलता है वॉलेट का। और यहाँ पे आप $20 ही होंगे, $20 आप कम से कम रिचार्ज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वॉलेट के ऊपर, जब यहाँ आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ नीचे रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, जिस अकाउंट से आप पैसे सेंड कर रहे हैं आपने यहाँ पे वो वाला नाम लिखना है। सपोज़ आपका नाम इकबाल है और आप जिससे पैसे सेंड कर रहे हैं उसका नाम शाहिद है, तो आपने यहाँ पे शाहिद लिखना है। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ शोएब अली, ठीक है। गो टू पेमेंट करेंगे, देखें यहाँ पर अब आपके पैसे सेंड नहीं हो रहे क्योंकि अब तक इसके ऊपर काम चल रही है, ऑन नहीं हुआ। लेकिन रुके, आपने वीडियो बंद नहीं करनी, आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। आप वापस आ जाएँ, यहाँ आपने USDT पर क्लिक कर देना है। USDT पर क्लिक करें, उसके नीचे आप फिर रिचार्ज पर क्लिक करें, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एड्रेस आ जाएगी। अब आपने ये वाली एड्रेस कॉपी कर लेनी है, इसको कॉपी कर दें, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट, कुकेन, OKEX या बाइनेंस का अकाउंट है तो आप इजीली वहाँ से $20 रिचार्ज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे पैसे सेंड करें, मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इसके ऊपर पैसे रिचार्ज करके दूंगा। आप ये एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है वो एड्रेस कॉपी करेंगे, मैं आपके एड्रेस में पैसे सेंड कर दूंगा अपने बाइनेंस OKEX अकाउंट से। उसके बाद जब आपके ID में पैसे आ जाएंगे तो आपके यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस, जैसे मेरा $1.28 है, यहाँ पे आपको $20 शो हो रहे होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा आप वापस होम पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके जब आप होम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे $20 वाला ये ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने आपके पास अवेलेबल बैलेंस, जैसे ये है आपके यहाँ ये अवेलेबल बैलेंस में $20 ऑलरेडी होंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दोबारा यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जब दोबारा इन्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका पैकेज रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने पैकेज चेक कैसे कर लेना है, यानी आपने अपना प्रोजेक्ट साइकिल कैसे चेक कर, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका पैकेज कौन सा लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर। ऑर्डर हिस्ट्री में जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे देखें, अब ये मेरे ऊपर मेरे इसमें शो कर रहा है कि आपने $10 इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपका टाइम जो है 15 तारीख को 1 बजे ख़त्म होगा, तो यहाँ पे आपको वो मिलेंगे। उसके बाद अगर हम विड्रॉ की बात करें तो विड्रॉ के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने नीचे यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इजी पैसा जैसे कैश आएगा। हम यहाँ इजी पैसा कर लेंगे, चले मैं करके दिखा दूँ आपको। यहाँ मैं अपना नाम लिखूँगा,
शोएब अली, यहाँ पे मैं इजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ या जेकेश या चार बैंकें लिखी हुई है कोई भी, आप इजी पैसा सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे अपना इजी पैसा वाला नंबर लिखना है आपने, सबमिट पे क्लिक। अकाउंट सेव करने के बाद जब यहाँ पे आप विड्रावल पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे मेरा इजी पैसा अकाउंट जो मैंने सेव किया था वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। अब आपने सिर्फ इसके ऊपर एक ही दफ़ा ही अकाउंट सेव करना है, बार बार आपने यहाँ प्लस पे क्लिक नहीं करना है। ये याद रखिएगा, आपने इधर बार बार क्लिक नहीं करना है, आपने जस्ट इधर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, रिचार्ज है, विड्रॉ है, वो आपका कम से कम $20 का होगा। तो आपने यहाँ पे $20 लिखने के बाद ये 20 लिख लिया, उसके बाद आपने नीचे विड्रॉवल पे क्लिक कर देना है, डायरेक्ट इस वाले विड्रॉवल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस प्लस पे आपने कभी भी दोबारा क्लिक नहीं करना है, ये आपने अकाउंट वन टाइम सेव कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप विड्रॉवल पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर जो रिचार्ज होता है वो आपका USDT के ज़रिए होगा, जो आप मुझसे करवा सकते हैं, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको करके दे दूँगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके ऊपर। जितने आपके पैसे लगेंगे उसमें ही करके दूँगा, कोई आपसे मैं अपने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा। बाकी विड्रॉवल के लिए आप अपने जेकेश इजी पैसा में और या किसी बैंक अकाउंट में जो चार बैंक बताएंगे उसमें आप आसानी से विड्रॉ ले सकते हैं इसके ऊपर।